जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शॉर्ट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी सेकंड पेपर हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के थर्ड चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंतर्गत एक हम लोग महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश सेल या फोटो सेल। इसका वर्तमान में हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है, इसलिए ये पढ़ना बहुत आवश्यक है हम लोगों को। तो प्रकाश सेल है क्या, सबसे पहले आप समझिए। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्वार्ट्ज अथवा कांच का एक बल्ब होता है जिसके अंदर की वायु को वायु चूसक पंप के द्वारा निकाल करके निर्वात पैदा कर दिया जाता है, अंदर की तरफ निर्वात होता है। और फिर यहाँ पर धातु का एक प्लेट होता है जो कैथोड का कार्य करता है, कैथोड सी का कार्य करता है। और फिर दूसरे तरफ एक दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जो संग्राहक का कार्य करता है, संग्राहक का मतलब कलेक्ट करने का कार्य करता है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, फिर इसके बाद नीचे के तरफ दो ये इनका जो है, जैसे मान लीजिए ये कैथोड का कार्य करता है तो कैथोड का संबंध यहाँ एक तार से होता है, अंदर से होते हुए ये जो है ये अंदर की तरफ जुड़ा होता है, इसके अंदर से हो करके यानी ये कैथोड होता है, कैथोड यहाँ आता है, ये एनोड होता है, एनोड यहाँ आता है। और फिर कैथोड का जो संबंध है, यहाँ पर हाई टेंशन की बैटरी होती है, देख रहे हैं ढेर सारी बैटरियाँ हैं। जब ढेर सारी बैटरी जोड़ी जाती है तो हाई टेंशन की बैटरी होती है, और हाई टेंशन की बैटरी के द्वारा उच्च विभव, बहुत अगर पावरफुल वोल्टेज उत्पन्न करना हो तो वह पावरफुल वोल्टेज जो है उत्पन्न होता है। और फिर इसके बाद देखें, यहाँ विभव विभाजक या विभव परिवर्तक या दूसरे शब्दों में कह लीजिए रेगुलेटर लगा होता है। इस रेगुलेटर का संबंध यहाँ माइक्रो एमीटर होता है, तो माइक्रो एमीटर गैल्वेनोमीटर जो होता है वो माइक्रो एमीटर की ही तरह कार्य करता है, तो इसको माइक्रो एमीटर कह सकते हैं। और फिर इसका संबंध ये संग्राहक से होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि बैटरी के रीढ़ सिरे का संबंध इस प्लेट से है, इसलिए यह कैथोड का कार्य करता है। और धन सिरे का संबंध, यहाँ पर डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि इसी तरह से इसमें ढेर सारे सेल जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि यह हाई टेंशन की बैटरी, उच्च विभव की बैटरी है। और फिर ये पॉजिटिव है, ये धन सिरा है, ये धनोड कह सकते हैं, तो इसका संबंध इससे होता है। और चूंकि ये संग्राहक, संग्राहक का मतलब कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें होता क्या है कि इनका संबंध, चूंकि ये जो कैथोड है, कैथोड का संबंध बैटरी के रीढ़ सिरे से होता है, इसलिए इसके ऊपर रीढ़ आवेश आ जाता है। और जहां रीढ़ आवेश होता है वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यहां पर बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे। और फिर यहाँ इसका संबंध आप देख रहे हैं, इसका संबंध धन से है, तो इसका संबंध जिस पर धन आवेश होता है वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जिस पर ऋण आवेश होता है वहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब देखें हम करते क्या हैं कि इधर से ये चूंकि क्वार्ट्ज अथवा कांच का ये बल्ब होता है जिसके अंदर ये परावैगनी विकिरण जो होता है, परावैगनी विकिरण बड़ी सरलता से एंट्री कर जाता है।
तो अब इधर से हम पराबैंगनी प्रकाश को भेजते हैं। यह पराबैंगनी प्रकाश, आपको मालूम है कि पराबैंगनी प्रकाश के अंदर बहुत अधिक एनर्जी होती है, या सच कहिए तो फोटान जो होते हैं वो पराबैंगनी प्रकाश के अंदर ही होते हैं। अब ये जब पराबैंगनी विकिरण क्वार्ट्ज के अंदर से होते हुए जब आकर के यहाँ कैथोड से टकराती है, तो कैथोड से टकराने के बाद यहाँ बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और ये जो संग्राहक है ये इसका संबंध बैटरी के धन सिरे से है, तो इस पर हो जाता है धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इस पर हो गया धन आवेश, तो धन आवेश जो है इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से अट्रैक्ट कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, अपने तरफ एकत्रित करने लगता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन आ करके और इस पूरे परिपथ में चक्कर काटने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में चक्कर काटने लगते हैं, तो आपको मालूम है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होता है, तो इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब ये जो पराबैंगनी विकिरण आ रहा है, ये पराबैंगनी विकिरण तो इसके ऊपर लगातार आ रहा होता है। अब यहाँ से इसके वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इसका ऋण विभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, जब अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बड़ी सरलता से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में फ्लो होने लगेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि कैथोड का वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे कैथोड से उत्सर्जित होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से सर्किट में फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी भी मात्रा इंक्रीज कर जाएगी, जिससे परिपथ में फ्लो होने वाली जो करंट है वो बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला करके ये जो प्रकाश सेल है, इसको हम प्रकाश वैद्युत सेल भी कहते हैं। और देखिए, प्रकाश वैद्युत सेल तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रकाश उत्सर्जक सेल होता है, एक प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, एक प्रकाश चालकीय सेल होता है। इन सबको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, केवल आपको प्रकाश उत्सर्जक सेल आपके सिलेबस में रखा गया है। अब हम आपको बता दें, जैसा कि अभी हमने बताया, देखिए यहां पर प्रकाश की किरणें आ रही थी, और प्रकाश आने से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने से पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था। कहने का मतलब हमारा यह है कि ये जो सेल है, इस सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि हमने आपको बताया कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि ये जो हम लोग प्रकाश वैद्युत सेल पढ़ रहे हैं, इस प्रकाश वैद्युत सेल को पढ़ने की क्या उपयोगिता है? तो देखिए, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो फोटोग्राफिक कैमरा होते हैं या वीडियोग्राफिक कैमरा होते हैं, जितने कैमरे होते हैं उन कैमरों में यूज होता है। आप देखे होंगे नए नए सिस्टम, नए नए मोबाइल में नए नए सिस्टम आ गए हैं, या नए नए जो कैमरा होते हैं वीडियो कैमरा, उनके अंदर भी सिस्टम आ गए हैं, जिसमें आप जो है अगर कोई व्यक्ति बहुत बदसूरत हो और उसका फोटो खींचा जाए तो वो फोटो काफी खूबसूरत आ जाता है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि अभी जैसे मान लीजिए किसी का फोटो खींचा जा रहा हो, तो आप कहते हैं कि इस पे ब्यूटी प्लस लगा दीजिए, या फिर कहते हैं कि थोड़ा सा
इसका ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। तो ब्राइटनेस बढ़ाने का क्या मतलब होता है? जब आप ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद ये जितने भी वीडियोग्राफी कैमरे होते हैं, चाहे वो मोबाइल के अंदर हो या चाहे स्वतंत्र रूप से जो कैमरा केवल जो वीडियो कैमरा होता है वो है, सबके अंदर ये प्रकाश वैद्युत सेल या कह लीजिए ये फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं। जब आप जो है उसका ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ाने से होता है, ये पूरा सिस्टम लगा होता है आपके मोबाइल के अंदर। अब चूंकि ये सिस्टम यहां पर हम बहुत बड़ा दिखाए हैं, ये सिस्टम बहुत बड़ा नहीं, चूंकि सेमीकंडक्टर का यूज होता है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे। बहुत बड़े यंत्र को छोटे यंत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है सेमीकंडक्टर के माध्यम से। अब चले आप जरा ध्यानपूर्वक देखें, जब आप ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ाने से होता यह है कि ये जो कैथोड है, कैथोड का वोल्टेज बढ़ जाता है, और जब कैथोड का वोल्टेज बढ़ जाता है तो यहां से निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिससे परिपथ में तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है ना, तो तब जाकर के जब हाई पावर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो तब आपका जब वीडियो बनाया जाता है या फोटो खींचा जाता है, तो उस समय आप अगर किसी दूसरे कलर के हो तो दूसरे कलर के उसमें दिखने लगते हैं। ये विद्युत धारा का ही प्रभाव है या प्रकाश वैद्युत सेल का ही प्रभाव है। आप देखे होंगे, चूंकि आप लोगों की उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है, पहले जो सिनेमा बनते थे, सिनेमा हॉल में जो सिनेमा दिखाई देते थे, वो उसमें एक्टर हो या एक्ट्रेस हो बहुत सुंदर नहीं दिखाई देते थे। लेकिन अब जो इनकी लेटेस्ट तकनीक आई है, लेटेस्ट तकनीक की वजह से सब एक्टर या एक्ट्रेस या जो भी हो वो काफी खूबसूरत लगते हैं। इसकी वजह यही होती है, ये जो फोटो सेल होते हैं, प्रकाश वैद्युत सेल होते हैं, इन प्रकाश वैद्युत सेलों के उपयोग से ही इसको काम में लाया जाता है। दूसरी चीज हम आपको ये बता दें कि अब जैसे मान लीजिए कि इनका उपयोग निगरानी में भी किया जाता है। निगरानी का मतलब, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई बहुत महत्वपूर्ण सामान है और महत्वपूर्ण सामान कहीं रखा गया है, जैसे तिजोरी वगैरह होती है, तिजोरी वगैरह में काफ़ी महंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण सामान रखा गया होता है, तो वहां पर होता यह है कि इसका उपयोग किया जाता है। आप सुनते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति कहीं से हटता है या उसको टच करता है, तुरंत अपने आप अलार्म बजने लगता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो आखिर ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा क्या होता है कि कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल रखा गया हो, कोहिनूर रखा गया हो, और वहां जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंचता है तुरंत वहां अलार्म बजने लगता है, तो इसकी वजह क्या होती है? तो वजह यह होती है कि वहां पर एक सिस्टम बनाया गया होता है, सिस्टम लगाया गया होता है, उस सिस्टम के अंदर ये फोटो सेल होता है, प्रकाश वैद्युत सेल होता है, और उसके सामने के तरफ से परावैगनी विकिरण को लगातार भेजा जाता है। ये परावैगनी विकिरण लगातार जो है उसके ऊपर पड़ता रहता है। तो अब होता यह है कि जब तक अब परावैगनी विकिरण प्रवाहित होने से, जब तक परावैगनी विकिरण फ्लो होता है, तब तक पूरे सर्किट में करंट फ्लो होती रहती है, और जब तक करंट फ्लो होती रहती है तब तक उसके अंदर जो अलार्म होता है वो अलार्म नहीं बजता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसके सामने आता है, चूंकि परावैगनी प्रकाश तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई व्यक्ति सामने आता है, क्षण भर के लिए परावैगनी प्रकाश को वो व्यक्ति रोक लेता है। हाथ अगर हम अपना आगे करें या शरीर आगे करें तो परावैगनी प्रकाश क्षण भर के लिए रुक जाता है, और जब क्षण भर के लिए रुक जाता है तो उस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो फ्लो होने वाला करंट रुक जाता है, और जैसे ही करंट रुकता है तुरंत अलार्म जो है बज जाता है। अब इसको चूंकि परावैगनी विकिरण हम लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये अलार्म जो है क्यों बजा है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ा
कंसल्ट हो रहा हो, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, और बहुत बड़े प्रोग्राम में अगर यह देखा जाना हो कि उस हाल में कितने लोग मौजूद हैं, तो इसको जो है दरवाजे पे लगा दिया जाता है। ये प्रकाश वैद्युत सेल जो होता है, प्रकाश वैद्युत सेल या फोटो सेल, दरवाजे के सामने या जो मेन गेट होता है, जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है, उस एंट्री पॉइंट पर लगा दिया जाता है, और उसके ऊपर पराबैंगनी प्रकाश जो होता है वो लगातार भेजा जाता है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति उस हाल के अंदर प्रवेश करता है, वहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति हाल में प्रवेश करता है, तो उतने समय के लिए, एक सेकंड या जो भी क्षणिक समय हो, क्षणिक समय के लिए पराबैंगनी प्रकाश को वो व्यक्ति रोक लेता है, क्योंकि वो गेट से होकर के एंट्री करता है। तो जब पराबैंगनी प्रकाश रुक जाता है ना, तो उतने समय के लिए करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, और जब करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, तो करंट का एक इंटरवल हो जाता है। इसके बाद तुरंत जब वो व्यक्ति हटता है, तो फिर करंट फ्लो होने लगती है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया तो करंट का फ्लो रुक गया। तो उस तरह से जितने भी इंटरवल होते हैं, उन इंटरवल को गिन करके बाहर से उसकी नंबर होती है, वो नंबर लिखता जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 लिखता जाएगा डिजिट के रूप में। अब इस प्रकार जो है वहां देख करके ये पता कर लिया जाता है कि इस समय हाल में कितने लोग प्रेजेंट हैं। इसके साथ साथ इनका उपयोग जो होता है, ये जो स्कैनिंग स्कैन किया जाता है, तो स्कैन करने का काम, स्कैनिंग तो सभी लोग जानते होंगे, तुरंत स्कैन कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं, तुरंत स्कैन हो जाता है। तो ये स्कैनिंग का जो कार्य है, ये प्रकाश वैद्युत सेल के द्वारा या फोटो सेल के द्वारा ही संभव है। इसके साथ साथ ये जो आप देखते हैं ध्वनि, यानी चित्र को फिर से उत्पन्न करना, या आप देखते हैं ना कि कभी कोई वीडियो जो है डिलीट हो गया है, तो उसको वापस लाने के लिए ऐप होते हैं, ऐप के माध्यम से वापस लाया जाता है, या अगर कि कोई ऐसी चीज़ है जो लिखी हुई है उसको डिलीट कर दिया गया है, तो देखते हैं कि व्हाट्सएप पे लिखे हुए जितने मैसेज होते हैं, वो अगर आप डिलीट कर दिए हैं, तो साल, 2 साल, 10 साल के बाद भी अगर उसको रिट्रीव करना होता है, तो फिर से वो वापस आ जाते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं, ये प्रकाश वैद्युत सेल या फोटो सेल के द्वारा ही होता है। और फिर इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर धातु के बड़े बड़े पाइप हों और उनके अंदर बहुत बारीक सुराख हो, तो बारीक सुराख से वो पाइप होते हैं या पोल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये जो प्रकाश वैद्युत सेल हैं, प्रकाश वैद्युत सेलों के द्वारा ये पता चल जाता है कि इसके अंदर कहाँ सुराख है, कहाँ गड़बड़ी है, जिसके वजह से उस गड़बड़ी को दूर कर लिया जाता है। इसके साथ साथ चिकित्सा पद्धति में भी इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैग्नेट के ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। और मैग्नेट के ऊपर जब इसका इफेक्ट पड़ता है, तो देखें इसमें होता ये है कि आप देखते होंगे कुछ शरीर की ऐसी गड़बड़ियाँ, 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नेट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो आपके हार्ट पे पड़ता है और आपके ब्रेन पे पड़ता है। आपको नहीं पता चलता है, हार्ट का जो फ्लक्चुएशन होता है, हार्ट के फ्लक्चुएशन को मैग्नेट जो होता है बहुत इफेक्ट करता है। इसीलिए हमेशा आपको, जैसे कि ये हम लोगों की जो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था के तहत आपसे कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, इसी का कारण होता है कि क्यों नहीं पैर करके सोना चाहिए दक्षिण की तरफ। तो चूंकि इसका वजह ये होता है कि आपको मालूम है कि ब्रेन जो है शरीर का वह भाग है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में ब्लड होता है, और ब्लड क्या है, तो वो आयरन है, ब्लड जो होता है वो आयरन ही होता है। और फिर दूसरा अंग जो हॉल्ट है, उस हॉल्ट का काम होता है वो 24 घंटे जो है वो ब्लड को पंप करता रहता है, और ब्लड को पूरे शरीर में जो है भेजने का काम करता है। तो अब होता ये है कि जब मैग्नेट का इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ेगा, ब्रेन पे पड़ेगा, तो जिस ब्रेन के जिस पार्ट में ये मैग्नेट का इफेक्ट पड़ता है,
उस पार्ट में अगर मान लीजिए निगेटिव डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है, तो निगेटिव डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ने से होता यह है कि उस अंग में, शरीर के उस अंग में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। और अगर ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो दो तीन दिक्कतें आती हैं। अगर ब्रेन में अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो या तो पक्षाघात होता है, पक्षाघात का मतलब उस व्यक्ति को लकवा मार जाता है, या मानसिक रूप से वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। मानसिक रूप से कमजोर होने का मतलब उसके जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन मर जाते हैं। यानी अगर कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो समस्याओं का जवाब नहीं निकल पाता है। तो ऐसी ढेर सारी दिक्कतें आपके सामने आती हैं। इसी तरह से हॉल्ट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपसे हमेशा कहा जाता है कि ये जो मोबाइल हैं, मोबाइल से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स भी ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये ब्रेन के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती हैं, हॉल्ट के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती हैं। इसीलिए आपको हमेशा सलाह दिया जाता है कि मोबाइल को हमेशा अपने पास नहीं रखना चाहिए, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो ये आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इनका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसको अब बाद में वो दिक्कत होती है, शुरू शुरू में आपको नहीं समझ में आती है। इसी तरह से हॉल्ट के ऊपर भी इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। तो अब ये तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकाश वैद्युत सेल का उपयोग हुआ। इसी तरह से आप देखे होंगे कि शरीर का जो है MRI कराया जाता है, MRI। तो इसमें MRI में होता यह है कि आप सुने होंगे जब डॉक्टर कोई बीमारी नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि इनके पूरे शरीर का MRI करा दीजिए या ब्रेन का MRI करा दीजिए। तो MRI में यही होता है कि प्रकाश वैद्युत सेल होता है, प्रकाश वैद्युत सेल को सेट करके और पराबैंगनी विकिरण को भेजा जाता है। और पराबैंगनी विकिरण को भेजने के बाद जब जितने समय के लिए गैप हो जाता है, तो जितने समय के लिए गैप हो जाता है यानी विकिरण का पड़ना बंद होता है, ये पता लगा लिया जाता है कि शरीर के इस अंग में फॉल्ट हुआ है। इसीलिए ये जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था, ये विद्युत धारा का प्रवाह उतने समय के लिए रुक गया था, तो इससे पता चल जाता है। फिर हॉल्ट का भी इलाज होता है, तो पूरे शरीर का होल बॉडी MRI भी कराते हैं। तो MRI जो होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है, यानी प्रकाश वैद्युत सेल या फोटो सेल का इसमें उपयोग किया जाता है। यही नहीं, आपकी जो चिकित्सा होती है, चिकित्सा के द्वारा आप सुने होंगे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में मैग्नेट के द्वारा, आप सुने होंगे मैग्नेट के द्वारा इलाज किया जाता है। तो ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको, चूंकि हम लोगों को जानते पहले वो हमारी पुरानी पद्धति है। पहले लोगों को किसी प्रकार की कोई बीमारी होती थी तो आयुर्वेद का उपाय करते थे, या हम लोगों के आसपास जो पौधे होते थे, औषधि युक्त पौधे होते थे। और जितने देखिए इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पौधे हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ औषधि गुण है। अगर हमको जानकारी नहीं है तो हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, और जानकारी है तो उसका सदुपयोग करते हैं। अभी 20-25 साल पहले जो है ये एलोपैथ विकसित नहीं था तो हम लोग आयुर्वेद से ही अपना इलाज किया करते थे। और फिर धीरे धीरे जब एलोपैथ का बैड इफेक्ट पड़ने लगा है तो फिर लोग आयुर्वेद के तरफ पहुंचते हैं। और फिर आप देखते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में लोगों को ब्रेन वगैरह में दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके ब्रेन में नियमित रूप से अगर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए व्यक्ति जो है एनेक्जाइटी का शिकार हो जाता है। एनेक्जाइटी का मतलब उसको चिंता होती है, हमेशा चिंता होने लगती है, अनायास चिंता होने लगती है। सबको ये पता है, सब लोग सलाह देते हैं कि आप चिंता ना करिए, चिंता करने से कुछ होता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति जिसको चिंता हो रही वो चाहे कि हम चिंता करें, वो भी नहीं चाहता है, लेकिन वो अनायास हो जाता है। इसी तरह से मस्तिष्क में ढेर सारे विकार होते हैं, जैसे नींद का अच्छी तरह से न आना, या और
कभी कभी होते हैं लोग कि सोए में उनको झटका आ जाता है, या किसी प्रकार की ये न्यूरोलॉजी से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं सब का इफेक्ट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और मैग्नेट के द्वारा इनका इलाज किया जा सकता है। आपको मालूम है कि शरीर के जितने भी अंग हैं सभी अंगों का संबंध जो होता है पैर के तलवे से होता है। पैर के तलवे में जो एक एक अंग हैं, एक एक पार्ट हैं, एक एक पार्ट का संबंध जो है शरीर के अलग अलग अंग से होता है। किसी का संबंध आँख से होता है, किसी का लीवर से होता है, किसी का हार्ट से होता है, किसी का फेफड़े से होता है। तो देखे होंगे कुछ समय पहले जो है ये मैग्नेटिक मैग्नेट वाला एक चप्पल आता था, लोग मैग्नेट वाला चप्पल पहना करते थे, या मैग्नेट मैग्नेट से युक्त एक वो पटरा टाइप का आता था जिसके ऊपर लोग चला करते थे। तो उससे मानसिक जो बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आता है, नेचुरोपैथी के अंतर्गत आता है। तो यह भी एक प्रकार का विज्ञान ही है, यह भी एक प्रकार का मेडिकल साइंस ही है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये होता है कि इसका हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब जब भी होता है तो इसका बेनिफिट ही मिलता है। तो मैग्नेट के द्वारा ढेर सारे कार्य किए जाते हैं, या ये जो आपका फोटो सेल है, फोटो सेल के द्वारा कभी कभी देखते हैं शरीर के किसी अंग में सुई वगैरह या कोई किसी धातु का कोई टुकड़ा कट करके फंस जाता है, या कभी मान लीजिए गोली लग गई किसी को, गोली का कोई छर्रा वगैरह जो होता है शरीर के किसी अंग में फंस जाता है, या गोली जाकर के हर्ट में फंस जाती है। तो ये जो प्रकाश वैद्युत सेल होते हैं, प्रकाश वैद्युत सेलों के द्वारा पता चलता है कि वो गोली किस स्थिति में है, वो गोली निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा सकती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो प्रकाश वैद्युत सेल है, ये जो फोटो सेल है, ये फोटो सेल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और यह बहुत आवश्यक है। और आपको पढ़ने लिखने के बाद, ये इतनी चीज़ें जानने के बाद, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मोबाइल का यूज कम से कम करना चाहिए। यही नहीं, जहां मैग्नेटिक पावर हो उस मैग्नेटिक पावर से भी बच करके रहना चाहिए, जहां रेडिएशन हो रहा हो रेडिएशन से भी बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें, इनका सबसे बैड इफेक्ट जो होता है वो ब्रेन और हार्ट पे होता है। और मनुष्य का ब्रेन और हार्ट ही ये दोनों महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर हार्ट गड़बड़ हो जाएगा तो भी सब बेकार हो जाएगा, और मान लीजिए हार्ट ठीक ठाक हो ब्रेन गड़बड़ हो जाए तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि सब कुछ संतुलित रहे। और मैं आपको बता दूं कि अगर शरीर के पूरे अंग में केवल ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, न हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, न किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, न फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो फोटो सेल था, ये जो प्रकाश वैद्युत सेल था, ये प्रकाश वैद्युत सेल आपका कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ ये जो तीसरा चैप्टर है, विकिरण एवं द्रव्यों की द्वैत प्रकृति, यानी रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। और इसके बाद दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि वो फिजिक्स में भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, जिसमें एक चैप्टर में हमको परमाणु के बारे में पढ़ना है और दूसरे चैप्टर में हम लोगों को नाभिक के बारे में पढ़ना है, और इसी में परमाणु बम के बारे में भी पढ़ना है, और फिर नाभिकीय बम यानी हाइड्रोजन बम के भी बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के सिलेबस में हैं, और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।